गुड मॉर्निंग क्लास फोर. टुडे वी विल स्टडी लेसन 36 सोब्रीक्विट्स. सोब्रीक्विट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सोब्रीक्विट्स का क्या मतलब होता है? सम कंट्रीज एंड सिटीज हैव स्पेशल नेम्स और निकनेम्स. कुछ कंट्रीज या कुछ सिटीज के निकनेम्स होते हैं, यानी कुछ अलग अलग तरीके के नेम्स होते हैं. जैसे ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ कहीं की फेमस होती है या कुछ कोई मॉन्यूमेंट फेमस होता है, तो उस बेसिस पे उस सिटी का नाम जाना जाता है ना. तो जो स्पेशल नेम सिटीज या कंट्रीज के होते हैं, जो निकनेम्स बने हुए होते हैं, उनको बोला जाता है सोब्रीक्विट्स. Identify and write the names of these countries. हमें identify करना है, पहचानना है और इन countries के नाम लिखने हैं, ठीक है, cities के. From their sobriquets with the help of Doraemon. यहाँ पे उसके sobriquets दिए हुए हैं, यानी कुछ nicknames दिए हुए हैं, कुछ special नाम दिए हुए हैं जो कि cities को मिले हुए हैं. तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now see number one. The gift of द नाइल, यानी नील का उपहार किसे कहा जाता है? ये कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है, ये कौन सी है? इजिप्ट है. EGYPT, इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ द नाइल. यानी इसको, अच्छा ये पता है इसको गिफ्ट ऑफ द नाइल क्यों कहा जाता है इजिप्ट को? क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो एंशियंट इजिप्टियंस थे, उनका ये सोचना था कि ये जो नील है, ये गॉड का गिफ्ट है. ये नील नदी का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा. ये उनका ये मानना था कि ये गॉड का गिफ्ट है, तो इसकी वजह से ये इसको एक उपहार मानते थे, एक भेंट मानते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इजिप्ट को एक निकनेम दिया, द गिफ्ट ऑफ द नाइल. नंबर टू, द जियंट ऑफ अफ्रीका. यानी द जियंट ऑफ अफ्रीका का क्या मतलब है? जियंट का मतलब होता है विशाल. अफ्रीका, विशाल अफ्रीका, ठीक है, बड़ा अफ्रीका. तो ये क्या, कौन सी कंट्री का नाम दिया गया है? निगेरिया, NIGERIA. नंबर थ्री, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स. यानी ऐसा लैंड, ऐसी भूमि जहाँ पे वाइट एलिफेंट्स, वाइट यानी सफ़ेद, एलिफेंट्स यानी हाथी, सफ़ेद हाथी की भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कि सफ़ेद हाथियों की वजह से जानी जाती है. एक फेम है उस चीज़ का, यानी एक नाम है. तो थाईलैंड, THAILAND. नंबर फोर, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी उगते सूरज की भूमि. राइज यानी उगना, राइजिंग यानी उगना, ठीक है, और सन यानी सूरज, तो लैंड यानी भूमि. तो क्या है ये, क्या हुआ? उगते सूरज की भूमि. कौन सी कंट्री को कहा जाता है? जापान को, JAPAN. नंबर फाइव, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. थाउजेंड लेक्स यानी हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, FINLAND. इसे हजार झीलों की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारे लेक्स हैं, ठीक है, इतने सारे लेक्स हैं यहाँ पे, हजारों लेक्स हैं, झीलें हैं, तो जिसकी वजह से इनका, इस जगह का नाम ही पड़ गया लेक्स के बेसिस पे कि लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, यानी हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को. नंबर सिक्स, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड. शुगर बाउल यानी चीनी कटोरा की दुनिया. किसे कहा जाता है चीनी कटोरा की दुनिया? क्यूबा को, CUBA. अच्छा आपको पता है कि इसको, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो क्यूबा है, तो क्यूबा इज रिफर्ड, यानी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इसको नेम दिया गया है. और सबसे ज़्यादा अगर हम शुगर की बात करें, सबसे बड़ी इंडस्ट्री शुगर की कहाँ पे है? क्यूबा में है. तो इसलिए इस जगह को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है. नंबर सेवन, लैंड ऑफ लिलीज, यानी गेंदे की भूमि. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये लिलीज पाई जाती हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे इस जगह को एक निकनेम दिया गया है. तो ये कौन सी प्लेस है? कनाडा, CANADA.
NADA. नंबर 8, सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर. आनंद का शहर कौन सी जगह को कहा गया है? कोलकाता को, KOLKATA. सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा गया है कोलकाता को, आपको पता है? इसको इसलिए कहा जाता है आनंद का शहर क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कल्चर्ड हैं, प्यार फैलाने वाले हैं, ठीक है, मिस्ट्री से भरे हुए हैं, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोलकाता के लोगों में पाई जाती हैं. तो ये जो शहर है ये इस आनंद के लिए जाना जाता है. तो ये कौन सा शहर है? कोलकाता. नेक्स्ट, विंडी सिटी, यानी विंडी क्या होता है? हवादार सिटी. कौन सी सिटी को बोला जाता है? शिकागो, CHICAGO. नाउ व्हाई शिकागो इज कॉल्ड विंडी सिटी? क्यों बोला जाता है शिकागो को विंडी सिटी? क्योंकि इस सिटी में बहुत ही ज़्यादा हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है. यहाँ पे फ्रिजिड ब्रीज रहती है, पूरा ब्लो ऑफ, यानी हर जगह हवाई हवा फील की जा सकती है, ठंडी ठंडी, ठीक है. तो इसलिए इस जगह को विंडी सिटी बोला जाता है, यानी हवादार शहर. नंबर 10, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन. पर्ल यानी मोती, इंडियन ओशियन यानी भारतीय महासागर. तो इसका मतलब क्या हो गया? भारतीय महासागर की मोती. ये कौन सी किस कंट्री को बोला जाता है? श्रीलंका को बोला जाता है, SRILANKA. और क्यों बोला जाता है आपको पता है? ये श्रीलंका को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर का मोती क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उसकी तुलना बिल्कुल मोतियों की तरह की गई है. इसे नेशन ऑफ स्माइलिंग पीपल भी कहा जाता है. लेकिन सबसे ज़्यादा श्रीलंका किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, ठीक है. तो इसलिए इसे कहा जाता है भारतीय महासागर का मोती. ओके, सो नाउ नंबर 11, इमर्ड आइलैंड यानी पन्ना द्वीप. पन्ना द्वीप किसे कहा जाता है? आयरलैंड को, IRELAND. वाई आयरलैंड इज कॉल्ड इमराल्ड आइलैंड. क्यों कहा जाता है आयरलैंड को इमराल्ड आइलैंड? क्योंकि यहाँ पे पता है बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है. ये पूरा एकदम आइलैंड की तरह है, ये जगह एकदम द्वीप की तरह है, ठीक है. यहाँ पे कलर्स को इजीली देखा जा सकता है जिसकी वजह से इसे इमराल्ड आइलैंड कहा जाता है. तो किसे कहा जाता है? आयरलैंड को कहा जाता है. नंबर 12, हर्मिट किंगडम यानी उपदेश राज्य किसे कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है, KOREA. नाउ कम ऑन, नोज बेस्ट. थाईलैंड हैज हैड सेवरल नेम्स ओवर द सेंचुरीज. फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स इट वॉज नोन बाई द नेम्स ऑफ इट्स डोमिनेंट सिटीज. यानी कह रहा है कि थाईलैंड हैज हैड सेवरल नेम्स. थाईलैंड के कई सारे नेम्स हैं ओवर द सेंचुरीज, बहुत पुराने टाइम से. फॉर द हंड्रेड ऑफ ईयर्स, 100 सालों से पहले की, मतलब थाईलैंड को कई सारे नाम दिए गए, अलग अलग नाम दिए गए. तो इट वॉज नोन बाई द नेम्स ऑफ, और ज़्यादातर थाईलैंड को किन किन नामों से जाना जाता था? कुछ इट्स डोमिनेंट यानी होता है प्रमुख. तो कुछ हम इनके प्रमुख सिटीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे सुखोथाई, आयुथाया एंड थॉर्नबरी. ओके, सिंस द 1800s it has repeatedly switched back and forth between Siam, Sanskrit meaning dark or brown, and Thailand. yani fir dheere dheere kya hone laga, ye switch back and forth, matlab idhar udhar karke in jo ye sari cities thi Thailand ko inke names de diye gaye. okay, now come on next lesson. now we will study lesson 37, प्रोफेशंस यानी व्यवसाय. अब देखो हमारी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हमारे वर्ल्ड में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, है ना.
हर इंसान का प्रोफेशन अलग अलग होता है, प्रोफेशन यानी सबका व्यवसाय अलग अलग होता है। हमारे वर्ल्ड में कोई टीचर है, कोई लेबर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई गार्डनर है, कोई शेफ है, कोई फ्लोरिस्ट है, मतलब देखो कितने सारे प्रोफेशंस हैं ना हमारी हमारे वर्ल्ड में, तो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि हु आर दे, ये कौन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ दिए हुए हैं आपको, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ के बताना है कि इन चीज़ों के बारे में, इनकी स्टडी इनके बारे में कौन करता है, ये काम कौन करता है। सो नाउ सी नंबर वन, वन हु स्टडीज बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स की स्टडी करता है, यानी जो बर्ड्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करता है, जो बर्ड्स की पढ़ाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, ornithologist, O R N I T H O L O G I S T, ornithologist, ornithologist का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, जो पक्षियों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करता है। नंबर टू, वन हु टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स, वन हु टेक्स केयर, एक वो जो पेड़ों की देखभाल करता है, तो पेड़ों की देखभाल जो करते हैं प्लांट्स की, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है गार्डनर, जी ए आर डी ई एन ई आर, गार्डनर यानी माली, जैसे होते हैं ना माली लोग, क्या करते हैं वो लोग पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं ना, कि कोई मुरझा ना जाए, उन्हें वाटर देते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें कौन करते हैं, माली करते हैं। नंबर थ्री, वन हु कुक्स इन रेस्टोरेंट्स, यानी जो रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं, जो अब जैसे देखो आप, हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में खाना कौन बनाता है, कभी आप लोगों ने देखा है रेस्टोरेंट में अलग लोग लगे होते हैं ना खाना बनाने के लिए, तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, उनको बोला जाता है शेफ, ठीक है। और शेफ का मतलब होता है बावर्ची, यानी रेस्टोरेंट में जो खाना बनाते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, शेफ के नाम से, यानी बावर्ची होता है उसका मतलब, सी एच ई एफ। नाउ सी नंबर फोर, वन हु सेल्स फ्लावर्स, वो जो फूल बेचता है, फूल बेचने वाले को क्या कहते हैं हम, देखा होगा ना आप लोगों ने, से सड़कों पे फूल बेचते रहते हैं ना, फ्लावर्स बेचते रहते हैं पैसे देके, तो वो क्या होते हैं, वो फ्लोरिस्ट होते हैं, एफ एल ओ आर आई एस टी, फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला, फूल वाला यानी जो फूल बेचते हैं। नंबर फाइव, वन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम, इन्वेस्टिगेट्स यानी जो क्राइम्स का पता लगाते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल करना, ठीक है, तो जो उस चीज़ पे जांच पड़ताल करते हैं कि क्राइम कैसे हुआ, जैसे देखा होगा ना आपने ये चीज़ देखी होगी, कई सारे सीरियल्स देखते हैं ना, या रियल लाइफ में जो जैसे होते हैं सीरियल्स में होते हैं, है ना, पुलिस वाले होते हैं, सीबीआई होती है, जो जासूस होते हैं, जो कुछ भी होता है, चोरी डकैती मर्डर जो भी होता है, तो वो उस पर क्या करते हैं, उस पर जासूसी करते हैं, यानी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसने किया है ये, तो जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो जाँच पड़ताल करते हैं क्राइम्स की, उन्हें बोला जाता है डिटेक्टिव यानी जासूस, डी ई टी ई सी टी आई वी ई, डिटेक्टिव। नाउ सी नंबर सिक्स, वन हु कंडक्ट एन ऑर्केस्ट्रा, यानी वन हु कंडक्ट का मतलब है जो ऑर्केस्ट्रा को करवाता है, जो ऑर्केस्ट्रा का निर्माता होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर यानी निर्वाहक, या कुछ भी बोल सकते हैं कि जो करवाता है ऑर्केस्ट्रा, उसको उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं, सी ओ एन डी यू सी टी ओ आर। नाउ सी नेक्स्ट, नंबर सेवन, वन हु रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, यानी जो टैप्स को और पाइप्स को रिपेयर करते हैं, यानी बनाते हैं, अब जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, घरों में नल खराब हो जाते हैं, पाइप खराब हो जाते हैं, है ना, कहीं पाइप लगवानी होती है, या नल टूट गया, नल लगवाना होता है, तो ये सारी चीज़ें रिपेयरिंग वाली कौन करता है, प्लम्बर करता है, पी एल यू एम बी ई आर।
नंबर 8, वन हु एक्ट ऑन अ स्टेज, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है, जो स्टेज पे एक्ट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टर, ACTOR. नंबर 9, वन हु डिजाइंस क्लॉथ, जो कपड़ों को बनाते हैं. अब जैसे देखो, कपड़े तो हम सब लोग पहनते हैं ना, लेकिन कभी ये सोचा कि उन कपड़ों की डिजाइंस कौन देता है, कौन बनाता है उन कपड़ों को, है ना? तो वो सारे कपड़े किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फैशन डिजाइनर के द्वारा, FASHION DESIGNER. नंबर 10, वन हु इंश्योर फेयर प्ले इन अ फुटबॉल मैच, यानी जो ये इंश्योर करता है, जो इस बात का मतलब पूरी तरह से ध्यान रखता है कि फेयर प्ले यानी सही तरह का गेम होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, फुटबॉल मैच में, तो उसे बोलते हैं रेफरी यानी पंच. अब देखो, जैसे ये होता है ना कि रेफरी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? ताकि फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से, सही तरीके से गेम हो सके. तो अब ये बताओ कि रेफरी रखना क्यों ज़रूरी है? अगर किसी मैच में रेफरी नहीं रहेगा तो फिर आपस में लड़ाई हो जाएगी ना, कैसे, कौन बताएगा कि हाँ इतने रन किए, ये यहाँ तक इतनी बार बॉल पहुँची, है ना? तो इन सब चीज़ों की जानकारी, ये सारी चीज़ें कौन नोटिस करता है? रेफरी करता है, और वो एक सही डिसीजन लेता है, एक डिसीजन लेता है कि हाँ जो टीम जीती है वो सब चीज़ों को नोटिस करता है. तो वो कौन होता है? रेफरी, REFRE. नंबर 11, वन हु हेल्प्स पीपल लर्न हाउ टू प्ले अ स्पोर्ट, एक वो जो कि सिखाता है लोगों को कि स्पोर्ट को कैसे खेलना है, किसी भी तरह के गेम को कैसे खेलना है, तो उसे क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं, COACH, ठीक है. नंबर 12, वन हु डिजाइंस हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, जो हाउसेज और बिल्डिंग्स की डिजाइन देता है कि यानी ये कमरा इस दिशा में होना चाहिए, कमरा इस दिशा में, इसको इतने उसमें मतलब इतना लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, है ना? जैसे अब जैसे आप एक हम लोग का घर है, जैसे आप लोग का घर है, तो वो घर को कौन डिज़ाइन करता है? कोई तो उसको डिज़ाइन करता होगा ना. तो जो हाउसेज एंड बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं, जो उसका नक्शा बना के देते हैं, तो वो कौन होते हैं? वास्तुकार होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट, ठीक है. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए ये सारी आपको, तो ये आपको लर्न करनी है, ओके? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन. नाउ वी विल स्टडी लेसन 38, फ्लैग्स. हम झंडों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो ये तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग देश हैं हमारे, अलग अलग कंट्रीज हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग फ्लैग्स होते हैं ना, तो हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे. राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज टू विच दीज फ्लैग्स बिलोंग. यहाँ पे हमें नेम लिखने हैं उस कंट्री के जिनका ये झंडा है, ठीक है? तो उन कंट्रीज के नेम लिखना है. नाउ सी नंबर 1, ये फ्लैग देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन कलर का है, इस पे ईगल बर्ड बनी हुई है, ठीक है, इस पे 3 कलर्स हैं. तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? जैम्बिया, ZAMBIA. नंबर 2, ये पिक्चर देखो, इधर ब्लू है, इधर ब्लू है, बीच में वाइट है, और एक सनफ्लावर टाइप बना है. तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? अर्जेंटीना, ARGENTINA. नंबर 3, सी दिस पिक्चर, 3 कलर्स और अलग अलग साइज है तीनों का, है ना? एक थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा उससे छोटा है, एक उससे छोटा है. तो ये कहाँ, कौन सी कंट्री का झंडा है? कोलंबिया का, COLOMBIA, कोलंबिया. नाउ सी नंबर 4, ये देखिए पिक्चर, इसमें वाइट है, ऊपर रेड कलर है, और कुछ स्टार्स बने हैं, और एक मून है. तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? सिंगापुर का, SINGAPORE.
नाउ सी नंबर 5, यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें ब्लू कलर है, वाइट कलर है और दो रेड कलर्स हैं. तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? थाईलैंड का. THAILAND. ओके, नाउ सी पिक्चर नंबर 6, बोथ रेड कलर्स और इधर वाइट कलर है ना. तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? पेरू. PERU. सी दिस पिक्चर, ये इसमें सन बना हुआ है, सन की पिक्चर टाइप बनी हुई है, ब्लू कलर है और रेड कलर है. ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? ताइवान. TAIWAN. सी पिक्चर नंबर 8, इसमें 3 कलर्स हैं, येलो, ब्लू और रेड. ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? वेनेजुएला. VENEZUELA. ये पिक्चर देखो, इसमें पिकॉक कलर का फ्लैग है ना, अंदर एक सर्कल करके कुछ बना हुआ है, उसमें स्टार्स बने हुए हैं और उसके बाहर आउटलाइन दी हुई है येलो कलर की. ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? ब्राज़ील. BRAZIL. सी नंबर 10, 3 कलर्स और एक स्टार बना हुआ है, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? चाइल. CHILE. सो नाउ क्लास 4, योर बुक अप टू पेज नंबर 52 इज कम्प्लीटेड. कम्प्लीट इट एंड प्लीज डोंट डू एनी मिस्टेक्स इन राइटिंग दीज वर्ड्स. ओके, राइट इट केयरफुली एंड कम्प्लीट योर वर्क, कम्प्लीट योर बुक एंड सबमिट इट इन स्कूल फॉर चेकिंग. ओके, थैंक यू क्लास.